कृष्ण जी की कथा। यहाँ पर बाल कृष्ण यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनकी माँ यहाँ पर नदी के पास नहाने आई है। तो कृष्ण जी बच्चे थे इसलिए उन्हें भी लेकर आई है और इन्हें कह रही है कि यहीं पर बैठे रहना बाबू, मैं अभी नहाकर आती हूँ। वो चली जाती है। जैसे वो धरती पर बैठते हैं तो धरती मैया चीर कर फट जाती है और उनके सामने प्रकट होती है और उनका पैर को प्रणाम करती है, उनका दर्शन करती है, क्योंकि श्री कृष्ण बहुत बड़े भगवान है। इस वजह से वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, भावुक हो जाती है। और कृष्ण भगवान जी भी इन्हें देख कर प्रणाम करते हैं क्योंकि धरती मैया है जो कि बहुत बड़ी भगवान है और ये इन्हें प्रणाम करती है। और इन्हें प्रणाम कर कर ये बहुत ज्यादा खुश होती है और कृष्ण भगवान भी इन्हें देखकर बहुत ज्यादा हंसते हैं। और माता कहती है कि मैं तो धरती मैया, मेरा सौभाग्य कि आप यहाँ पर मेरी धरती पर आकर बैठे, आपके माँ बाप ही आपका सेवा का लाभ उठा पाए हैं, मगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आपको क्या भेंट करूं। इस तरीके से इन्हें बोलती है, मैं तो धरती मैया हूँ, मेरे पास तो मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। तो कृष्ण भगवान असली रूप में आते कहते हैं कि आपके पास तो वो है जो हर किसी के पास नहीं है, आप तो धरती मैया है। यहाँ पर जो पाप करता है वो भी इस धरती पर ही चलता है और जो अच्छे कर्म करता है वो भी आपके पुण्य धरती पर चलता है और रहता है। ये सुनकर माता बहुत भावुक होती है। अब कृष्ण भगवान कहते हैं कि अब मैं ये मिट्टी को ही खाऊंगा अमृत समझकर, ये मेरी माता की मिट्टी है, ये मुझे अमृत की तरह लगेगा। और ये कहने के बाद कृष्ण भगवान अपने असली रूप से चले जाते हैं और माता भी अंदर चली जाती है और कृष्ण भगवान मिट्टी खूब ज्यादा खाने लगते हैं। और यहाँ पर इनकी माँ यशोदा जी नहा रही थी, उन्हें पता नहीं था कि लला ने मिट्टी खा ली है। और यहाँ पे उनकी सखियां कहती हैं कि कृष्ण भगवान ने मिट्टी खा ली है। वो कहती कि तुम्हारा लला ने मिट्टी खा ली, देखो कितनी सारी मिट्टी खाया है। और यशोदा सुनती है, अजब सुन के वो तेजी से यहाँ पे दौड़ी आती है। अजब उनके मुंह को देखती है तो वो अपने बच्चों की चिंता करते हुए नजर आई कि मेरे लला ने मिट्टी खा लिया, उसका मुंह गंदा हो गया, उसका सेहत खराब हो सकता है। वो उसे कहती है कि बेटा तूने मिट्टी खाया है, कितना गंदा लग रहा है तू, तो इसका मुंह को पोंछ देती है। और कृष्ण भगवान अपनी माँ के सामने हंसने लगते हैं और इनकी माँ इनके सामने इनसे मस्ती करती हुई नजर आती है और उन्हें डांटती भी है। और कृष्ण भगवान बहुत ही मनमोहक तरीके से मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। इनके मुंह को ये साफ करने जाती है तो जब वो मुंह खोलते हैं तो उन्हें पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह के अंदर दिखाई देता, पृथ्वी। ये इनको देखकर इनकी आंखें फट जाती हैं कि मेरे बेटे के अंदर से ये क्या देखने को मिला। और ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, घबरा जाती हैं। तभी विष्णु जी इनके सामने प्रकट होते हैं और इनसे मिलते हैं और कहते हैं कि ये तो तुम्हारे पुण्य फल हैं कि तुमने कृष्ण भगवान के मुंह में पूरा पृथ्वी देख लिया। यशोदा माता जो देखती उसे कृष्ण भगवान विष्णु जी सब कुछ भूलवा देते हैं और वो सब कुछ भूल जाते।